Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu Alaikum dear students welcome to AZ International Publishing House Today we are going to study Mathematics Grade 2 Unit number 2 and Unit 2 is about number operations Today our topic is addition of one digit number and two digit number with carrying अब क्योंकि प्यारे बच्चों हमें कैरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है प्रीवियस लेक्चर में हमने वंस और वंस को ऐड किया था और उधर हमने कैरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था आपको याद होगा विफर्ज करें मैं याद दिलाता हूँ आपको नाइन प्लस फोर था तो इसको आपने ऐड किया तो आंसर क्या आया थर्टीन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन यानी नाइन प्लस फोर करें तो आंसर आता है थर्टीन थर्टीन कैसे ये थ्री फिर इधर लिख लेते थे और वंस आगे कैरी कर लेते थे टेंथ कॉलम में तो वो वंस इसी तरीके से नीचे आ जाता था क्योंकि नंबर नीचे कोई भी नहीं होता था जीरो होता था तो लिहाजा वो एज इट इज आ जाता था कैरिंग का कॉन्सेप्ट हमने देखा था लेकिन वो था वन डिजिट के साथ वन डिजिट को ऐड करना अब हम देखेंगे आज भी हम कैरिंग का कॉन्सेप्ट सीखेंगे लेकिन वो है टू डिजिट नंबर में जब वन डिजिट नंबर ऐड हो तो फिर कैरिंग किस तरीके से की जाती है तो एक एग्जांपल से सहारा लेते हुए राशिद हैज 18 कॉइंस सुबहानज नाइन कॉइन्स फाइन नंबर ऑफ कॉन्स ये टोटल वर्ड ने हमें बताया कि एडिशन अप्लाई होगी तो हमने लिख लिया राशिद के पास इतने हैं सुबहान के पास इतने हैं तो ये सिंबल लगाने का मकसद है कि हम इसका टोटल फाइंड करना चाह रहे हैं तो इसमें दो स्टेप्स हैं जो आके आपने फॉलो करने हैं स्टेप वन में देखो एड वंस लिखा हुआ है इसका मतलब है पहले अगर आप इसको मैं अलहदा से बड़ा करके लिखता हूं एटीन और नाइन है ठीक है ये वंस है ये टेंस हैं, दो प्लेसिस हो गई ना इस तरीके से तो अब इनको ऐड करने का मतलब ये है कि वंस में वंस ऐड करने हैं वंस में वंस ऐड करने हैं जी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट है इधर नाइन नाइन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन तक आपने ये काउंट की हुई है आगे इसको काउंट करो टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन सेवनटीन का मतलब ये सेवन टू डिजिट नंबर आंसर आया ना जब कभी भी प्यारे बच्चों टू डिजिट नंबर आंसर आए तो आपने ये वाला, जो राइट वाला होता है, वो वन्स में लिखना है और उधर हमारे पास वन पहले से मौजूद था तो ये वाला वन क्योंकि हमने कैरी करके लेकर आए थे तो इसका मतलब है ये वन और ये वन आपस में ऐड हो जाएंगे वन प्लस वन मिलेगा तो क्या बनेगा टू तो आंसर क्या आया ट्वेंटी सेवन अब ये देखो ये पिक्चर बनाकर आपको कितने आसानी से समझाया गया है भाई गौर से देखें ये जो हमारे पास एक सेक नजर आ रही है आपको थैली नजर आ रही है ये टेन कॉइंस की है ना तो अगर इधर आप ऑब्जर्व करें तो हमारे पास एटीन था तो ये लिहाजा एक टेन वाला हो गया और एट हमारे पास सिक्के उसी तरीके से वंस के लिहाज से आ गए आगे अगर हम नाइन की बात करें तो ये नाइन कॉइन्स इधर लगा दिए अब जब इनको ऐड करोगे भाई ऊपर कितने थे एट सिक्के थे ना आठ थे ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट क्वाइंस थे तो एट के साथ हमने ये वाले टू क्वाइंस और मिला लिए तो एट और टू मिलकर टेन हो गए इसका मतलब है ये वाली टेन के लिए हमने ये एक थैली यूज की हुई है ना एक सेक यूज किया है तो इसका मतलब है ये पहले एक थी ये पहले एक थी ना तो ये वाले टेन जब इधर हमने शिफ्ट किए टेन वन मेक वन टेन ना ये याद है ना कॉन्सेप्ट हमने सीखा था ग्रेड वन में भी टेन वन मेक वन टेन तो इसका मतलब है ये जो दस सिक्के हैं वन वन के इधर से एक थैली हमारे पास बन जाएगी टेन कॉइंस की ठीक है तो ये इधर आप लिख देंगे ये एक थी ये हमारे पास अब दो बन गई बात समझ आ रही है तो इधर कितने रह गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये देखो ये सेवन कॉइन तो अब इनको काउंट कर लो ये टू है ये लिख दिया ये सेवन है तो ये लिख दिया ये वही चीज है जो मैंने आपको पहले समझाई है ठीक है स्टेप वाइज भी आप देख लें स्टेप वाइज क्या है पहले एड वंस किया और दूसरे स्टेप में आपने एड टेंस किया इन डिटेल आपको एक एक चीज इसकी बता दी है ये छोटा सी एक्टिविटी है जो आपने खुद परफॉर्म करनी है डाई को यूज करते हुए ठीक है लूडो डाई जो होती है उसको यूज करें और ये छोटी सी एक्टिविटी आपने खुद परफॉर्म करनी है नेक्स्ट अगर आप देखें तो यह है एडिशन ऑफ टू डिजिट नंबर एंड टू डिजिट नंबर विद कैरिंग अच्छा वो था टू डिजिट की वन डिजिट के साथ अब मैं आपको बता रहा हूं टू टू डिजिट डिजिट की के साथ कैरिंग कैसे होती है है ठीक तो इसमें हमारे पास कुछ इस तरीके से है मैं अलहदा से आपको लिख के बताता हूँ एटी है और थर्टी है अब प्लेस वैल्यू आपको पता है ये वाली वन होती है ये टेन्स होती है अगर इससे आगे मूव करें तो वो क्या कहलाती है हंड्रेड कहलाती है ठीक है तो अगर आप इसमें से देखें पहले स्टेप वन क्या होगा ये देखें जरा आपको सामने लिखा हुआ है सबसे पहले उनको वर्टिकली लिख लेते हैं कोई भी जो नंबर दिए हुए ना ये देखो एटी टू थर्टी नाइन दिखा था तो उसको आपने वर्टिकल फॉर्म में लिख दिया इस तरह लिखने को वर्टिकल फॉर्म कहते हैं ठीक है तो इसमें सबसे पहले आपने स्टेप वन क्या है वंस को ऐड करना तो वंस ये है हमारे पास टू और नाइन इनको ऐड कर लो वन टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन अब नाइन से आगे काउंट कर लेते हैं टेन इलेवन आंसर क्या आया इलेवन राइट साइड वाला नंबर आपने यहां पर लिखना होता है और जो लेफ्ट वाला नंबर होता है वो आपने आगे कैरी कर लेना होता है जब आप आगे कैरी कर लेंगे ये एट है एट प्लस वन होगा एट से आगे काउंट करोगे तो नाइन नाइन प्लस थ्री है तो तीन लाइनें और लगा लो नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व अब जब इधर आपने सोल्व किया तो ये फिर टू डिजिट नंबर आ गया भाई ये तो मसला बन गया ना टू डिजिट नंबर जब भी आए तो उसका राइट साइड वाला आपने वहां पर लिख लेना होता है और जो लेफ्ट साइड वाला नंबर होता है वो आगे कैरी कर लेते हैं क्योंकि इधर टेंस प्लेस थी जब आगे किया तो वो ऑब्वियसली हंड्रेड प्लेस पे कैरी होगा तो नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो इसका मतलब है वन प्लस जीरो वन तो आंसर क्या आ गया वन हंड्रेड ट्वेंटी वन बात समझ आ रहे हैं तो ये देखो पिक्चर्स की मदद से भी आपको इधर समझाया गया है इधर टेन क्वाइंस का एक सेक बनाया गया इसी तरह हंड्रेड क्वाइंस का सेक बनाया गया तो ये आपने इस तरीके से इनको पिक्चर्स की मदद से भी बसानी समझ सकते हैं ठीक है देखो ये टू वन थे एटी टू था ना तो एट टेन वाले बन गए और टू वन वाले थर्टी नाइन था तो थ्री बन गए टेन वाले सेक और नाइन क्वाइंस अब नाइन प्लस वन आपको बताया नाइन और वन मिले तो टेन बन जाएगा तो ये बढ़ने से एक सेक इधर बढ़ जाएगा ये देख रहे हो रेड कलर से शो किया गया तो फिर आप जब इनको काउंट करोगे टेंस को तो फिर टेन टेंस मेक वन हंड्रेड तो ये हंड्रेड में शिफ्ट हो जाएगा तो फिर अगर आप इनको काउंट करके लिखो वन हंड्रेड वाली एक से एक और ये टू टेन्स वाली और ये वन क्वाइन तो टोटल मिलकर कितना हो गया वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन बात समझ आ रही है तो प्यारे बच्चे ये कॉन्सेप्ट था एडिशन ऑफ टू डिजिट नंबर विद टू डिजिट नंबर यूजिंग यानी विद कैरिंग आप इसको कैसे कर सकते हैं नेक्स्ट इसी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेक्शन है इनमें से कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और कुछ आप खुद सॉल्व करेंगे अब एट और फाइव की बात करें एट है एट के बाद फाइव है तो फिंगर्स पे काउंट कर लें एट प्लस फाइव करने से आंसर क्या आएगा थर्टीन थर्टीन का ये जो थ्री है ये तो लग जाएगा इधर राइट साइड वाला नंबर मैंने आपको बताया था उसी में लग जाता है और ये जो लेफ्ट साइड वाला नंबर है ये आप आगे कैरी कर लेते हैं और कैरी करके ना ये ऊपर सर्कल बना दिया करें ताकि आपको पता चले कि ये नंबर कैरी करके आया है अब सेवन ये वाला नंबर कैरिंग वाला जो होता है ना वो दिए गए नंबर में जमा कर देना आपने एड कर देना होता है तो वन प्लस सेवन करोगे तो ये तो एट हो गया एट से आगे थ्री काउंट करो फिंगर से आ, देखो एट के बाद आ गया नाइन नाइन के बाद 10, 10 के बाद इलेवन इलेवन फिर टू डिजिट नंबर आ गया इसका मतलब है इसका राइट साइड वाला डिजिट इधर लग गया और लेफ्ट साइड वाला आगे आपने कैरी कर लिया अब वन के नीचे कोई भी नंबर नहीं था जीरो समझा जाएगा तो जीरो किसी भी नंबर में एड हो उसे फर्क नहीं पड़ता तो लिहाजा ये वन एज इट इज आ जाएगा बात क्लियर है तो ये इसका सम है ये जो आंसर आता है उसे हम सम कहते हैं ये भी समझ रखता है इसी तरीके से पार्ट टू अगर देखें तो टू है और नीचे नाइन है इसका मतलब से आगे काउंट करो फिंगर से देखो टू और काउंट कर लो नाइन टेन इलेवन इसका आंसर भी इलेवन आया इलेवन का ये जो फर्स्ट डिजिट है इधर लग जाएगा और सेकंड वाला आगे कैरी कर लेंगे सिक्स प्लस वन सेवन हो गया सेवन प्लस फाइव सेवन से आगे फाइव फिंगर और काउंट करो एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो ट्वेल्व का टू इधर लगेगा और वन आगे कैरी कर लेंगे तो नीचे वन एज इज आ जाएगा बात समझ आ रही है इसी तरीके से अब आपने पार्ट थ्री पार्ट फोर पार्ट फाइव जो है खुद सॉल्व करने हैं पार्ट सिक्स अगर देखें तो ये आंसर आ रहा है फाइव प्लस फाइव करने से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन भाई फाइव लाइन्स और फाइव लाइन्स दोनों लगाई तो आंसर आया टेन टेन का जो जीरो है वो इधर आ जाएगा और ये जो वन है ये आप आगे कैरी कर लेंगे तो इनको जब आप ऐड करोगे ये 9 प्लस वन मिलेंगे तो फिर से टेन टेन और प्लस फाइव टेन है और फिर आगे फाइव है तो इनको ऐड करो काउंट करो इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन फिर आंसर टू डिजिट आ गया तो इसका फाइव इधर लग जाएगा और ये जो वन था ये आप आगे हंड्रेड वाले कॉलम में कैरी कर लेंगे जो कि एज इट इज नीचे वन आ जाएगा बात समझ आ रही है आसान है ना इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर सेवन एट नाइन आपने खुद सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर टेन देखें जरा एट प्लस फोर तो एट से आगे काउंट कर लें नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व आंसर आया ट्वेल्व ट्वेल्व का टू यहाँ पे लगेगा और वन आगे क्यार अब फाइव प्लस वन करो तो सिक्स होता है सिक्स से आगे फोर स्टेप काउंट करो सेवन एट नाइन टेन टेन भी टू डिजिट नंबर है लिहाजा उसका जीरो इधर लगेगा वन आगे हंड्रेड वाली प्लेस पे कैरी हो जाएगा तो लिहाजा ये वन एज इट इज आ गया समय जीरो वन हंड्रेड टू इसी तरीके से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर इलेवन आप खुद करेंगे ट्वेल्व देख लें एट की बात करो तो एट के बाद है सिक्स तो एट के बाद सिक्स स्टेप आगे काउंट करो क्या आएगा नाइन टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन आंसर आया फोर्टीन 14, 14 का फोर यहां पर लगेगा वन आगे कैरी अब ये एट से आगे काउंट करो तो एट प्लस वन तो नाइन 9 होता है 9 से आगे 9 स्टेप काउंट करने हैं, तो इसका मतलब है थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइन प्लस नाइन के आंसर आया एटीन एटीन का ये जो एट है ये तो इधर लग जाएगा और ये जो वन है ये आप आगे हंड्रेड कॉलम में कैरी कर लेंगे तो इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं है लिहाजा ये वन एज एट इज आ जाएगा पता चला 88 और 96 का जब सम करें तो आंसर क्या आता है 184 तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हमने टू डिजिट नंबर्स को टू डिजिट नंबर में ऐड करना सीखा विद कैरिंग क्लियर है तो जो क्वेश्चंस रह गए हैं आपने इनको सॉल्व करना है और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आपने हमसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस करना है आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही फिर इनशाला मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज